हेलो गाइस, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। चलिए निफ्टी 50 को देखते हैं मंडे के दिन किस तरीके से मोमेंटम करती है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बड़े चार्ट फ्रेम पर ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो मंथली चार्ट फ्रेम में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर लगभग निफ्टी 50 4 से 5 महीने इसी रेंज में वेट किया, फिर इसको जब ब्रेक किया तो बहुत ही शानदार का मूव किया। ब्रेक किया, रिटेस्टिंग के लिए और फिर यहाँ पर एक बड़ा मूव दिया। जो लोग यहाँ पर एंट्री मिस किए थे उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी थी एंट्री के लिए, या फिर इस पॉइंट पर एक अपॉर्चुनिटी थी एंट्री के लिए। 20,000 के समथिंग 20,100 एसआरएल लेवल था। और अभी बैंक निफ्टी लगभग सॉरी निफ्टी 50 यहाँ पर जो हाई लगाया हुआ है 21,800 का लगभग हाई लगा चुका है। तो अभी बहुत ही शानदार मूव कर चुका है, लगभग यहाँ पर 1700-1800 का मोमेंटम कर चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो 20,000 के पास जितने लोग एड हुए होंगे तो यहाँ पर कुछ खास स्टॉप लॉस थी नहीं, लगभग यहाँ पर 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। या फिर वीकली टाइम फ्रेम में और छोटा स्टॉप लॉस होगा, उसके अगेंस्ट में निफ्टी 50 1822 का टारगेट दे चुका है। अभी यहाँ पर क्या हो सकती है, एक बड़ा मूव हो चुका है तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी और मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है। बैंक निफ्टी अभी 2000 पॉइंट या 2500 पॉइंट का रैली और कर सकती है। इस केस में निफ्टी 50 भी और अपर साइड में मूव कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपर साइड में मूव करने वाला है। तो निफ्टी 50 या तो स्थिर हो जाएगा, साइडवेज होगा, या फिर बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी 50 भी मूव करेगा। तो अभी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 दोनों अब ट्रेंड में ही बने रहेंगे, या फिर निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा स्थिर होगा, थोड़ा साइडवेज जाएगा, इसके बाद फिर मूव कर सकती है, या फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों स्थिर होंगे, इसके बाद दोनों एक साथ मूव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अभी और मोमेंटम पेंडिंग है, लेकिन निफ्टी 50 यहाँ पर ऑलमोस्ट टारगेट डन कर चुका है। तभी या तो अपसाइड मूव करेगा या तो फिर वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। वीकली चार्ट फ्रेम में देखेंगे तो बैंक निफ्टी 50 अभी मंथली में अप ट्रेंड में है। यहाँ पर वीकली में भी देखें तो अप ट्रेंड में ही यहाँ पर ब्रेक किया, एक अच्छा मूव किया। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लग रही थी कि थोड़ा डाउनफॉल आएगा, यहाँ पर इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, लेकिन नहीं किया, इसी फ्लो में निकल गया और अगेन यहाँ पर एंट्री का चांस दे रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर स्विंग ट्रेंड के लिए यहाँ पर अगर एंट्री करते हैं तो एक अच्छा पॉइंट कैप्चर हो सकता है। यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस है, 300-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर वेट कर सकते हैं। टारगेट इधर रखेंगे 23,200-250 का समथिंग इधर टारगेट होगा। एक कल ही हो जाएगा या फिर इसी मंथ में होगा या फिर इसी वीक में होगा, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतना बड़ा मूव कर चुका है। तो या तो यहाँ पर निफ्टी 50 थोड़ा सा स्थिर होगा या फिर इसी फ्लो में मूव कर सकती है, दोनों यहाँ पर चांस है। 50-50 का चांस है, या तो स्थिर होगा अगर निफ्टी 50 सॉरी बैंक निफ्टी अगर इसी फेवर में बाइंग साइड में निकलती है तो फिर निफ्टी 50 भी मूव करेगा बाइंग साइड में। तो चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर ये मूव करती है तो एक अच्छा पॉइंट कैप्चर हो पाएगा, नहीं तो इसी फ्लो में थोड़ा सा डर है, फियर है, क्योंकि एक बड़ा मूव कर चुका है तो करेक्शन आना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन एक बार यहाँ थोड़ा सा करेक्शन आ जाती है। लगभग निफ्टी 50 में 800-900 पॉइंट का भी यहाँ पर करेक्शन आती है, फिर इसके बाद ये मूव करेगा तो एक अच्छा रैली कैप्चर करने में इजी होगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट है थोड़ा सा करेक्शन ले या फिर थोड़ा सा स्थिर हो जाए, अगर यहाँ पर वेट भी कर लेती है 2-3 वीक फिर इसके बाद ब्रेक करती है तो फिर इजी यहाँ पर ट्रेड इजी हो जाएगा ट्रेड करना। अभी बाकी डेली में देखेंगे तो डेली में कंटिन्यूअसली अपसाइड का प्राइस एक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर डेली में देखें तो डेली में यहाँ पर मूव किया, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, इस पॉइंट का इस लेवल को टच किया, फिर अगेन मूव किया। मे बी यहाँ पर मंडे के दिन में अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करती है, ये लेवल हमारा हो जाएगा 21,675 का लेवल, ब्रेकडाउन करती है तो अगेन इधर आ सकती है, 21,500 का लेवल टच करने आ सकती है। तो यहाँ पर 200 पॉइंट का यहाँ पर करेक्शन पेंडिंग है। डेली चार्ट फ्रेम में अगर 200 पॉइंट करेक्शन करती है फिर यहाँ पर रेंज बनाती है, फिर मूव कर सकता है, या फिर इसी फ्लो में जैसे ही हाई को ब्रेक करती है, 21,800 का ये लेवल है, 21,800 को ब्रेक करती है तो नॉन स्टॉप अपर साइड में मूव कर सकती है। कहीं भी कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं किया है और अभी यहाँ पर देखेंगे तो कम्प्लीटली ये अप साइड में यहाँ से मूव करते जा रहा है, कहीं भी कोई फियर नहीं क्रिएट किया है। एक मूव के बाद ये क्लासिकल पैटर्न बनाते जा रहा है, क्लासिकल ट्रेंड में मूव करिए, मूव किया करेक्शन लिया, मूव किया करेक्शन लिया, मूव किया, कहीं पे यहाँ पर सेलिंग का प्राइस एक्शन दिखा ही नहीं रहा, सेलिंग का कोई चार्ट पैटर्न बनाया ही नहीं, प्रीवियस यहाँ पर स्विंग ब्रेक नहीं कर पा रहा है, हायर हाई बनाते जा रहा है। मोमेंटम के बाद यहाँ पर मार्केट स्थिर हुआ, मूव किया, यहाँ पर करेक्शन हुआ, यहाँ पर मूव कर चुका है, तो अभी या तो ये थोड़ा सा स्थिर होगा या फिर करेक्शन लेगा, फिर इसके बाद ही मूव कर सकती है। तो एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा यहाँ पर 2-3 वीक सॉरी दो तीन
दिन यहाँ पर रेंज में ट्रेड करे, स्थिर हो जाए, यहाँ पर साइडवेज हो जाए, फिर इसके बाद मूव करेगा तो इजी रहेगा ट्रेड करना, या फिर थोड़ा सा यहाँ पर 200-250 पॉइंट का करेक्शन ले फिर इसके बाद ही मूव करे तो थोड़ा इजी होगा। अभी 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा मंडे के दिन में हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है निफ्टी 50 को। यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में यहाँ पर फ्राइडे के दिन में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन निफ्टी 50 में उस तरीके से नहीं आया, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट यहाँ पर साइडवेज ही रहा, कुछ खास मूव नहीं किया, और इसके वजह से बैंक निफ्टी में भी सेलिंग के साइड उतना अच्छा मोमेंटम नहीं मिला। 48,000 का लेवल टच करना चाहिए था बैंक निफ्टी में लेकिन नहीं किया, 48,100 के पास से ही घूम गया था। यहाँ पर देखेंगे तो ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, मूव किया और फिर साइडवेज होगा। अभी यहाँ पर देखेंगे तो हायर हाई ऑलमोस्ट यहाँ पर पैटर्न बना चुकी है, इस बॉटम को फाइंड आउट कर चुका है, फ्लैट ओपन होती है 21,760-750 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, बाइंग कर सकते हैं, टारगेट 21,800-850 ये सारे टारगेट हो जाएंगे क्योंकि अपर साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं। यहाँ पर 800 का एक रेजिस्टेंस है तो मैं भी 800 तक टच कर सकती है, यहाँ पर थोड़ा वेट करेगा फिर ये निकल सकती है अपर साइड में। सेल के लिए हम लोग कहाँ पे प्लान करेंगे, फ्लैट ओपन हुआ जो ये लो लगाया हुआ है 21,675 का, इसके नीचे 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करेगा, सेल करेंगे, टारगेट कहाँ तक होना चाहिए 21,580-575 का टारगेट होना चाहिए, 100 पॉइंट्स यहाँ पर डाउनफॉल कर सकती है, लेकिन ध्यान देना है सेलिंग साइड में क्वांटिटी कम रखना है क्योंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पर प्राइस एक्शन बेसक दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी मोमेंटम का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 100 पॉइंट्स निफ्टी 50 में मिल जाती है बहुत अच्छा है, तो क्वांटिटी कम रखेंगे, मे बी यहाँ पर हो सकती है कि थोड़ा सा डाउनफॉल आया फिर सडन से मूव कर गया, तो इस तरीके में हमारे साथ हमारा एसएल जाएगा तो क्वांटिटी रहेगा तो इजिली यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट एसएल दे करके आउट हो सकते हैं मार्केट से, तो इसलिए क्वांटिटी कम रखनी है। अगर अपर साइड में निकलती है तो क्वांटिटी फुल रखेंगे ताकि ये मूव करती है हमारे फेवर में तो एक अच्छा पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे। सो आई होप सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।